मॉर्निंग एवरीवन। जब कभी आपको समझ रहा है ना कि ब्रेकफास्ट में बनाना क्या है, तो मेरे पास उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। और अगर आपके पास लेफ्ट ओवर बची हो दाल, तो आप क्या कीजिए, आटा लीजिए, एक प्याज लीजिए, एक दो जितना भी आपको लगता है उसको पतले पतले या लंबे स्लाइस में कर दीजिए, चॉप कर लीजिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं लंबे लंबे स्लाइस में काट लूँ। थोड़े से हरे प्याज, धनिया, हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स भी ऑप्शनल है, अगर है तो लगा दीजिए, क्योंकि हमें हरी मिर्च तो लगाई है, थोड़े से टेस्ट के लिए, मुझे स्पाइसी पसंद है। दाल है ना, अब हम वो लगा अच्छे से मिक्स करके हम अच्छे से गूंथ लेंगे। पानी उतना उतना डालिएगा जितने आपको ज़रूरत है। इस तरीके का डो तैयार कर लीजिए आप आटे गूंथ के, इसका बनाएंगे पराठे। 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दीजिए। जब इसके लिए आटा ना हमें बहुत गीला नहीं चाहिए, मतलब और बहुत सख्त नहीं, मतलब क्योंकि अगर बहुत गीला गूंदोगे तो वो चिपक जाएगा। और तो इसके लिए आप जो डो लेते हो वो नॉर्मल रोटी से थोड़ा ज़्यादा लेना है। इसको बेलना है, अगर आपको लग रहा है कि आपका रोटी पक रहा है तो आप सुखा लगा सकते हो, अच्छे से बेलते जाइए इसको। अब इसमें आप तेल लगा दीजिए, हल्का हल्का, मतलब बहुत नहीं डालना है, थोड़ा तेल डालो, अच्छे से फैला दीजिए चम्मच से। करके तेल लगा के साइड से प्रेस करते हुए इसको पकाना है अच्छे से। अब तैयार है हमारा मिक्स परांठा, आप इसको मिक्स परांठा बोल सकते हैं। आप इसको इमली की चटनी के साथ, सॉस के साथ, अचार के साथ, बटर के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो, पर मुझे ये इमली की चटनी और क्या नाम है, मलाई के साथ बहुत पसंद है। मलाई के साथ ट्राई करना, इट्स सो यम्मी। वाह, बहुत अच्छा है, ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपने ट्राई किया कि नहीं किया। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।